नमस्कार, सुप्रभात एवरीवन। सो राइट नाउ वी आर जस्ट चेकिंग आउट एंड लीविंग। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारा ये प्लान है कि जो होटल की प्रीमिसेस है वहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे एंड गाड़ी के अंदर सारा सामान लगेज हमारा रख देंगे एंड आफ्टर दैट देखेंगे फाइनली ताजमहल अंदर से। सो आज मंडे है तो भीड़ भी कम होगी कंपेरेटिवली संडे से, यहाँ थ्रू आउट ईयर रहती है बट कंपेरेटिवली कम भीड़ रहेगी। एंड वन थिंग मोर कि हमें टिकट मिल जाएगी एंड अंदर नो ट्राईपॉड नथिंग इज अलाउड, अंदर सिर्फ आपका फ़ोन है तो हाथ से ही व्लॉग होगा, हाथ से ही सारे सीन होंगे। और जो मकबरे के अंदर है वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है तो वहाँ का सीन नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बहुत ही लेजेंडरी चीज़ देखने वाले हैं हम लोग। सो वी आर इन साइड ताज प्रेमिसेस एंड हमने गाइड किया हुआ है यहाँ पे, सो वो हमें काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ें बता रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। एंड मोस्ट लाइकली यहाँ पे 2 से 3 घंटे में मस्त व्लॉग शूट होने वाला है, मस्त मल्टी एंगल शॉट होने वाले हैं। बट हाँ, व्लॉग जो हो रहा है वो हाथ से ही रिकॉर्ड होने वाला है, तो स्टेबिलिटी मेरे फ़ोन में तो है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ही है, बट वहाँ से एक मैं स्टेबिलिटी में कर लूँगा। मैंने मीना बाजार हुआ करता था जिसको बोलते हैं शॉपिंग मार्केट। आप जो मेन बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे बिहार शहर में कोई नॉर्मल तरीके से खेती होता है केले का बांस का। अच्छा, गवर्नमेंट ने फैक्ट्री खोल रखा है जो काफ़ी कुछ ऐसे जो वर्कर हैं जेल का, जो कैदी लोग होते हैं ना, तो बैम्बू का बनाना का रेस को धागे को निकालो तो काफ़ी आइटम बनाते हैं जैसे केले का बांस का साड़ी, ब्लैंकेट। सो दैट वॉज आवर गाइड। आई होप जो उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन वाली मैंने वो वीडियो दिखाई थी वो हेल्पफुल रही होगी। एंड नाउ वी आर गोइंग इनसाइड इट। मतलब ये फोर्ट है बेसिकली, आगरा फोर्ट नहीं दूसरा वाला, ताजमहल इसके पीछे है। तो अभी इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं हाउ इज आवर एक्सपीरियंस। अभी मेन बिल्डिंग के अंदर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तैयारी में होता है एक बड़ी ही सिंपल सी चीज़। सो लेट्स गो इनसाइड ताज।
that was the beautiful and ironic Taj Mahal, guys. Hope you enjoyed it. And यहाँ पे हमें यार एक बहुत ही interesting मतलब दो myth जो हैं burst हुए मेरे नहीं, ये universal myth हैं, sort of thing है जो हमारे guide ने burst किए. पहला myth ये है कि शाहजहाँ ने अपने जो भी workers थे बनाने वाले इस ironic building को उनके हाथ कटवा दिए थे. असली में ये नहीं हुआ था, असली में उसने stamp paper पे अंगूठा लगवाया था कि आप कहीं और पे भी काम नहीं कर सकते. तो basically उसने हाथ काटे नहीं थे पर हाथ गिरवी रखवा लिए थे. एंड द सेकेंड myth was कि यहाँ के वर्कर ने एक जगह छोड़ी हुई है जहाँ से पानी आता रहता है हमेशा, वो भी झूठ है. उसका मेन रीज़न अभी मैं बताऊँ या ना बताऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ वो थियोरी भी झूठ है. ऑलरेडी सो या होम नाउ एंड रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ इज दैट आफ्टर ताज महल, आफ्टर विजिटिंग दैट ताज मुमताज महल, हम लोग गए थे आगरा फोर्ट, जहाँ पर मैंने सिर्फ शॉट्स लिए, अपना ऐसे बोलने वाला नहीं, जल्दी से शॉट्स लिए बिल्डिंग के एंड उसके बाद गाड़ियाँ बैठे और फिर घर आ गए. सो अभी मैं ये वीडियो तभी बना रहा हूँ. सो इन आगरा फोर्ट अपने गाइड से उस पर्टिकुलर एरा की बातें सुन सुन के यार जो इमेजिनेशन का लेवल आता था कि उनकी क्या लाइफ थी, मतलब रॉयल लाइफ थी, वो इमेजिनेशन यार लिट लेवल की हो रखी थी. मतलब वहाँ पे जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे पॉन्ड था, यहाँ पे जैसे एंटरटेनमेंट हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, वहाँ पे मछलियों पे निशान लगाते थे ये वो, और ऐसे गाना गाना होता था हर दिन. महाराज जाओ की जिंदगी, मज़ा आ गया सुन के और इमेजिन करके क्या लाइफ होगी वहाँ पे. एंड बाकी आगरा सो फार सो गुड. ड्यू टू इट्स क्लेवर इंजीनियरिंग वहाँ पे ऑप्टिकल इल्यूजन्स काफ़ी टाइप के यूज़ किए गए हैं. एंड अगर आप ताज को देखो तो उसका मेन गेट बात तो सबको पता है कि मेन गेट से वो छोटा और पास वाला जो आपने हर जगह देखा होगा, बट आगरा फोर्ट से जहाँ पे शाहजहाँ को कैद किया गया था औरंगजेब के द्वारा, हाँ हिंदी सही थी, औरंगजेब के द्वारा, सो वहाँ से मैंने देखा एक पर्टिकुलर एरिया, हाँ रिकॉर्ड शायद मैंने नहीं किया. सो वहाँ पे अगर आप पीछे जा रहे हो तो आपको लगेगा बड़ा पास और बहुत ज़्यादा पास में है ताजमहल और बहुत ज़्यादा बड़ा है. जब आप पास जाओगे पता लगेगा काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है यार ताजमहल तो. सो दैट वाज द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर उस टाइम पे हमारे पास थी. Thanks.
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।